रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर आई एम अ स्टूडेंट और मेरा क्वेश्चन ये है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है आ, अगर ये पेरेंट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैशेस है और मतलब इसमें बच्चों का क्या किरदार बनता है कि वो कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को और हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हमारा क्या हुक्म बनता है कि हम इस पर कैसे अमल करें और कैसे हम इस्लाम से रिलेटेड जो भी है जी इस इस पर अमल कर ज़्यादा बेन इनका सवाल है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस काफी ज्यादा है और कल भी कई खात ने कहा तो बच्चों का क्या इसमें रोल है क्या किरदार है हमें क्या करना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस का मानी है कि आप चाहे अपने फैमिली में आप वायलेंस कर रहे हैं मतलब मारा मारी कर रहे या आप पीट रहे चाहे मास्क छोड़ रहे चाहे स्टिचे आ रहे तो डोमेस्टिक वायलेंस इस्लाम में हराम है द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिफरेंस बिटवीन अपने बच्चों को कोई थप्पड़ मारा तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बोलेंगे यूएसए में बोलेंगे आई विल कॉल द पुलिस है वो यूएसए में या अगर बच्चों को अपने थप्पड़ मारा डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बोलते हो तो लेकिन आप पीटेंगे उसको आप बेच से पीटेंगे काला ब्लू ब्लू ब्लैक कर लेंगे तो ये हराम है और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है जो खातून ने पूछी थी पहले ये कैन वी बीट तो दरबा की मानी मैंने कहा था मीनिंग बीट लाइटली तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि आप फेस पे नहीं मार सकते आप मारेंगे तो कभी उस पर माक नहीं छोड़ सकते ये दरबा की मानी है लाइक मिसवा तो डोमेस्टिक वायलेंस वेर देर इज टॉर्चर इट्स टोटली हराम बच्चों का क्या रोल है पहला रोल ये कि आपके पास काउंसलिंग होना चाहिए काउंसलिंग काउंसलिंग सेशन होना चाहिए और लोग तो गलत फहमी है कि आजकल के माशरे में तीन किस्म की सोसाइटी है एक कहते पेट्रियाकल सोसाइटी पेट्रियाकल मीन्स मर्द ऊंचा बस पेट्रियाकल एक होती है मेट्रियाकल सोसाइटी मतलब औरत ही ऊंची और एक कहते ये फेमिनिज्म इज अ मिसनोमा ये गलत फहमी है इस्लाम में मैन एंड वुमेन ओवरऑल इक्वल आइडेंटिकल नहीं है लेकिन इक्वल है तो ये वर्ड फेमिनिज्म है उसके मानी है मैन एंड वुमेन इक्वल मिस नो माए अगर कोई कहेंगे इस्लाम में फेमिनिस्ट तो लोग बोलेंगे अरे क्या बोल रहा है बट इंग्लिश वाइज सही है बट टेक्निकली फेमिनिज्म इज अस नोमा मतलब जैसा हिंदुजम में मिस नो माए बराबर ना हिंदुइज्म मीन्स अ पर्सन हु लिव्स इन द वैली ऑफ इंडेस वैली तो डेफिनेशन वाइज मई भी हिंदू लेकिन मैं बुधपुर नहीं करता हूं मैं वेदा में नहीं मानता हूं आप समझ रहे ना तो उसी तरीके से फेमिनिज्म इंग्लिश वर्ड जिसके मानी है अ पर्सन थिंक्स अन एंड वुमेन इक्वल वो आदमी वो औरत जो सोचती है मर्द और औरत बराबर है यकसा नहीं है बराबर काम में बराबर ही है औरत और मर्द के हुकूक है कुछ वक्त मर्द ऊंचे है कुछ वक्त औरत ऊंची है ओवरऑल बहुत इक्वल इसके ऊपर तक्रीर कर सकता हूं लेकिन वक्त नहीं है इसका सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन यह है कि माशरे में काउंसलिंग होना चाहिए काउंसलिंग काउंसलिंग मतलब वो लोग जो फैमिली के मैटर्स में डील कर सके और काउंसिल कर सके प्रॉब्लम है आज की तारीख में आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड का काउंसलिंग लेंगे तो पूरे जो ट्रीटमेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड के आधे तो हराम है आप वो लेंगे जो खाली दिन के बारे में पढ़ा और मास्टर साइकोलॉजी नहीं जानता है तो भी प्रॉब्लम है तो डायकॉटमी है प्रॉब्लम है हमें ऐसे शख्स के पास जाना चाहिए जो दीन को भी जानता है और साइकोलॉजी भी जानता है मेडिकल साइंस भी जानता है ऐसे लोग अगर काउंसलिंग करेंगे तो सही करेंगे आप अमेरिकन काउंसलिंग के पास जाएंगे तो वो जो आपको देंगे गाइडेंस वो तो दीन के बाहर कर देंगे आपको अगर यहाँ करेंगे जैसे कि बोला ना उसको तकवा तकवा करो नहीं तो आपके पास तकवा नहीं इसलिए आप लाचार है आप अपाए क्योंकि तकवा नहीं है ये भी प्रॉब्लम है तो हम हमारे माशरे में ऐसे लोग को तैयार करना चाहिए और मुझे पता है कि चंद साल तकरीबन तन दस साल पहले जामिया बिनोरी पता है मुझे मुझे जाने का था दो दिन पहले तो रोग ने रोक लिया इनशाला मैं कल जाऊंगा जामिया बिनोरी के अंदर मुझे पता चला कि हम मीडिया तालीम दिन की भी होती दुनिया की भी साथ में आलमदा दिन की भी तालीम दुनिया की भी तालीम लेकिन दुनिया की तालीम अगर दीन के नजरिए से देखे मिसाल के तौर पे आप पढ़ेंगे साइंस में लिखा है कि हम बंदर से बने तो हमारे टीचर्स उसको बराबर जवाब देंगे ये तो इंसान नहीं तो अपना मुसलमान बंदर से बने कुरान में लिखे सलाम पहले से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ को किस तरीके से सॉल्व करना वो एक टेक्निक है तो ये एक स्पेशलिटी है अफसोस की बात है कि हम समझते हैं कि इल्म हराम है, अंग्रेजी हराम है। अंग्रेजी अच्छे काम भी होते बुरे काम बुरे काम हराम है। अच्छे काम अच्छे तो ऐसे माहौल में दे शुड बी काउंसलर्स। मेरे वालिद थे साइकेट्रिस्ट आपको पता बताएंगे डॉक्टर थे लेकिन साइकेट्रिस्ट वो पहले हिंदुस्तान के मुस्लिम साइकेट्रिस्ट थे जो प्रेसिडेंट बने पूरे इंडिया के साइकेट्रिस्ट के प्रेसिडेंट साइकेट्रिस्ट मतलब यहाँ तो बोले साइकेट्रिस्ट पागल पागल है पागल है अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास गए इंडिया पाकिस्तान में तो आपके नाम पे तो पागल बन के लग जाएंगा अमेरिका में तो साइकेट्रिस्ट की तो तनखा ही तनख्वाह मिलती थी उनकी तो इतनी चांदी है इसको आराम करने का साइकेट्रिस्ट के जाओ आधा घंटा बकवास करो ये बिल दे दो पांच हजार डॉलर तो साइकेट्रिक की बहुत तनख्वा होती है इनकम इनकम आमदनी बहुत होती है इंडिया पाकिस्तान में मतलब पागल पागल हो गया तो लोग बोलते भी डरते ये गलत है साइकेट्री इज स्पेशलाइज फील्ड तो मेरे वाले तकरीब भी करते इस्लाम साइकोलॉजी अल्लाह ने जन्त शरमाए रही तो ऐसे प्रॉब्लम में यू शुड स्पेशलिस्ट और यूएसए में मेरे कई है मिसा जासिर फसाका श्यासिर फा का पिस्टी पे आते ही स्पेशलाइज इन काउंसलिंग, काउंसिलिंग शक्यासि फजा का ही स्पेशलाइज ये स्टडीज काउंसलिंग ऑल्सो दीन दीनी आलिम भी है और सर्टिफाइड काउंसलर है तो इस वक्त वो जो आपको जो देंगे राय वो इस्लामिक भी होंगी और आपके फैमिली के प्रॉब्लम को हल भी करेंगे तो हमारे इदारे में भी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में विच ऑफ काउंसिलिंग लेडीज लेडीज के पास जेंट जेंट के पास कभी साथ में मिलने पड़ता तो महरम जरूरी है तो मेरी अहलिया भी करती थी काउंसलिंग मैं भी करता था काउंसलिंग तो इस मौके पे किस तरीके से कुरान की कौन सी आयत पे अमल करना चाहिए अगर डोमेस्टिक वॉलिस क्या करना चाहिए और अगर आप सही देंगे मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगा मैं आपको वक्त बहुत कम है इतना वक्त होने के बाद भी माशा बहुत लोग हैं एक मेरे पास एक मुसलमान आया और मुझसे कहने लगा कि मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं बोला क्यों भाई क्यों नहीं जाएंगी वो हदीस में लिखा है क्या बीवी अगर शोहर को नाराज करे तो जन्नत में जाएंगी हदीस सही है बोला हदीस सही है, है। इसीलिए मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं बोला कौन गलत मेरी बीवी गलत बोला सुनो जन्नत मेरी बीवी के बाद में बाद में डिस्कस करेंगे कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत जाने के लिए चार चीज चाहिए ईमान वाल असर नहीं रुक जाएगा ईमान चाहिए अमले हाँ वतवा वतवा सब्र। रबर, अगर जन्नत में नहीं जाएगी तू भी नहीं, तेरे सबर ही नहीं है अगर तेरी बीवी <laughs> कुछ करती है तू नाराज होएगा तो फरिश्ते नाराज ना तू नाराज क्यों होता है तू नाराज मत हो तो फरिश्ते नाराज भी जन्नत में तू भी जन्नत में समझे वो तो पूरा दोष बीवी को बीवी बीवी मुझे परेशान करती जन्म में जाएंगे क्योंकि अगर फरिश्ते उसको कोसेंगे अगर वो छोर को नाराज करे बराबर तू तो नाराज क्यों होता है तो अगर नाराज नहीं होगा तेरी बीवी भी जन्नत में तू भी जन्नत में उसके बाद पूरा चेंज हो गया झगड़े बंद हो गए छोटी सी आज उसने मुझे हदीस कोर्ट की मैंने कुरान किया हदीस सही थी तो इस तरीके से बोलना तो बीवी मेरे बाद में बोलती है कुछ दूसरे के तू अभी माशाल्लाह झगड़े बंद हो गए वो तो वन ट्रैक माइंड मेरी बीवी गलत मई से मुझे नाराज की जन्म में जाएगी अरे अल्लाह के रसूल कहते हैं सबसे बेहतरीन मोमिन वो जो अपने फैमिली के साथ बेहतर है बीवी के साथ आदि 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 कोट करते अपने फायदे की आदि कोट करते यही तो प्रॉब्लम है माशरे में आप तकरीर में उन्मा को सिर्फ सुने ये वन साइडेड हदीस कितना अच्छे से हल हो गया प्रॉब्लम में यू आर यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड तुम नाराज होते इसलिए प्रॉब्लम में तुम नाराज हो ना आराम से बैठो मैं कुलवल्लाद पढ़ो पूरे फातिया पढ़ो नाराजी चले शैतान तुम में तुम बीवी की बात करते शैतान तुमको जन्म लेके जा रहा है बीवी के साथ तो इस तरीके से काउंसलिंग करो प्रॉब्लम सॉल्व लेकिन अफसोस की बात है मैं बस काउंसलर नहीं है मैं बहुत कम करता था बिकॉज़ टाइम की किल्लत है सब तो नहीं कर सकते ना तो कभी कभी मौका मिल जाता है तो इस तरीके से अगर आपके पास उलझे हुए उलमा है और है पाकिस्तान में क्यों नहीं जो माशरे को जानते हैं जो एक हदीस के बच्चे दूसरे हदीस कोट करे और समझाए तो मेरे नजदीक जो आपके प्रॉब्लम में पिडोफेलिया है या डोमेस्टिक वायलेंस है इस्लाम इसको आराम से दूर कर सकता है अगर आपके पास सही उलमा जिनके पास साइकोलॉजी की तालीम है दिस डोमेस्टिक वायलेंस आराम से जा सकता है यहां तो लोग समझते मेरा हक है बीवी को निसा सुरा नंबर चार आयता नंबर पैंतीस कौवा निशा मैं कौवा मुखाश और जाके बाहर आके बोलेंगे बोलें माशाला सही क्या मर्द का बच्चा है औरत प्यार डूाता मृद मर्द क्या का बच्चा है औरत पे प्यार डू मर्द का बच्चा कौन मर गया वो तो ये अगर आप जहन खोलेंगे इस पर लेक्चर होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस पे लेक्चर होना चाहिए अगर पता चले किया तो उसको भारत में उसको ना यहाँ लॉ कुछ है क्या नहीं पाकिस्तान में अगर इतनी तादाद में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है जी है लॉ ना माशा लॉ तो लीगल इम्प्लीमेंट कम हो रहा है ना भाई बेन जी इनको कॉन्टेक्ट करो Yeter problem solve gireyim inşallah.